हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू मटर चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर चाट बनाने के लिए हमने इस तरह से मटर को 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये बढ़िया तरह से फूल गई है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो 2 गिलास पानी लेंगे, उसमें हम मटर डाल देंगे और 3 आलू इस तरह से छील के हम डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 5 से 6 सीटी लगने तक इन्हें बॉईल होने देंगे। आलू को हम ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, हमारे इस तरह से मीडियम साइज के आलू इस तरह से बॉईल हो गए हैं। और अब हम मटर को 2 सीटी लगने तक फिर से बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद अब इस तरह से थोड़ा मटर को मैश कर लेंगे। अब बॉईल आलू को हम इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ज़्यादा बॉईल नहीं किए थे आलू, तो हम इस तरह से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और हम कढ़ाई ऑयल गर्म होने पर कट किए हुए आलूओं को हम इस तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इस तरह फ्राई करके इन्हें इस तरह से ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलूओं को निकालेंगे। तो ये हमारे इस तरह से आलू निकल के तैयार हैं। इस तरह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी आलू हैं ये। अब हम बनाएंगे चाट। तो चाट बनाने के लिए हम एक प्लेट में इस तरह से आलू ले लेंगे। अब इस पर डालेंगे थोड़ी मैश की हुई मटर, थोड़ा मटर का पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब हम इस पर डालेंगे धनिया मिर्ची पुदीने की हरी चटनी और इस तरह से हम मीठा दही डाल देंगे, इमली की मीठी चटनी डाल देंगे। अब हम इस पर डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा डालेंगे हम 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच डालेंगे काला नमक और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हम चाट मसाला। और इस तरह से हम फिर से एक बार ऊपर से और दही डाल देंगे। थोड़ा बारीक सेव डाल देंगे और उसके बाद हम इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट की हुई टमाटर और प्याज डाल देंगे। टमाटर और प्याज डालने के बाद इस तरह से हम थोड़ी खट्टी मीठी इमली की मीठी चटनी डाल देंगे, थोड़ा दही डाल देंगे और हरी चटनी डाल देंगे इस तरह से। अब इस पर डाल देंगे मिक्स वाला नमकीन, जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, और डाल देंगे बारीक वाला सेव। तो ये हमारे इस तरह से बन के तैयार है बहुत ही टेस्टी आलू मटर चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस तरह से बनाने पर ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस तरह से घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें।